जब हम हमेशा बात करते हैं मेल्स की फैंटेसी में या मेल्स को बेड पे क्या अच्छा लगता है या अपनी वाइफ से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे ही आज मैं बात करूंगी फीमेल की फैंटेसीज के बारे में। आप पता है सोच के हैरान हो जाएंगे कि औरतें एक्चुअली ऐसा भी चाहती हैं लेकिन पुरुषों को बताती नहीं हैं। आज उन 5 फैंटेसीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर फीमेल के अंदर होती है लेकिन वो शायद शर्म से या मे बी नहीं बोलना चाहती हैं और वो नहीं बोल पाती हैं, बट मन में ज़रूर होता है। तो ये वीडियो को अंत तक देखना है, मुझे पता है आप देखने वाले हैं, और अपने पार्टनर से ज़रूर जाके पूछना है क्या वो ऐसा वाला कभी करना चाहेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बात कर रहे थे फीमेल की फैंटेसी के बारे में। देखिए, हर औरत ना कभी ज़रूर एक्सपेक्ट करती है कि उसका मेल उसे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सेक्स लाइफ को स्पार्क करने के लिए। अगर आप रूटीन की तरह वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं तो चाहे ना आपको मज़ा आने वाला है ना ही उन्हें मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको लगती है मेरी फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है एज वेल एज कुछ नया नया ट्राई करती रहती है तो उनकी फैंटेसीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें। सबसे पहली फैंटेसीज़ में ऊपर मैं रखूँगी वो है सबमिसिव। बहुत बार फीमेल्स यूजली एज पर व्हाट ट्रेडिशनल सेक्स होता है कि फीमेल सबमिसिव हैं, जहाँ पे मेल उन्हें बताएगा कि कैसे सेक्स करना है। लेकिन अगर फीमेल को ऊपर रखा जाए, मे बी वो बता रही है तू झुक, तू कर, तू ऐसे करेगा, मैं तेरे को आज ऐसा चाहती हूँ, जहाँ वो अपने आप को डोमिनेंट रख पाए और मेल रिसेसिव हो जाए, फीमेल की बहुत ज़्यादा फैंटेसी रहती है कि भाई मैं डोमिनेंट रहूँ और मैं बताऊँ कि मुझे कैसा करना है। दूसरी बड़ी फैंटेसी जो मैं बोलूँगी वो है ग्रुप सेक्स की। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो मे बी ऐसी वीडियोज़ देखती होंगी, उनका कहीं ना कहीं मन करता है कि भाई मैं अपने पार्टनर को इस चीज़ के लिए बोलूँ, लेकिन वो नहीं बोल पाती मे बी सोसाइटी के चक्कर में। बट बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो सीक्रेटली मेरे पास आके कहते हैं भाई मैं और मेरी वाइफ करना चाहती हैं, या मेरी वाइफ मुझे बोलती हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि हम सही तरीके से इसे कैसे करें। अब आपको सुन के लगेगा नो नो दिस इज़ बैड, बट एक्चुअली लोग ऐसा फील करते हैं। फैंटेसी में तीसरे नंबर पे अगर मैं रखूँ तो वो है स्ट्रिपिंग फैंटेसी। बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो धीरे धीरे करके कपड़े उतारें, या लड़के धीरे धीरे करके कपड़े उतारें, जिनको वो इंस्ट्रक्शन दे पाएँ, इसे हम स्ट्रिपिंग फैंटेसी कहते हैं। एक दूसरे के कपड़े उतारना या मे बी कपड़े फाड़ना, बहुत सी फीमेल्स की स्ट्रिपिंग फैंटेसी रहती है। फोर्थ नंबर पे अगर मैं लाइन करूं तो मैं करूंगी एग्जिबिशनिज्म। बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनको फैंटेसी है कि मैं करूं और कोई देखे, मे बी मुझे कोई करते हुए देखे, या हम कुछ वीडियोस बनाएं या हम शूट करें ताकि मैं देख पाऊं कि मैं करते हुए कैसी लगती हूं, या फिर मे बी कोई और हमें देखे और वो हमें अप्रिशिएट करे। बहुत से मेल्स की भी ऐसे फैंटेसी रहती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो फीमेल्स खुल के बात नहीं करती हैं, बोलती भी होंगी कि यार वीडियोज़ बनाते हैं और मे बी लेट्स शूट इट। कई लोगों को इस तरह की फैंटेसीज डेफिनेटली होती हैं। एक अनोखी और फैंटेसी की बात करूं जिसको मैं 5वें नंबर पे रखूंगी, वो है मे बी किसी ऐसे स्ट्रेंजर के साथ करना जिसके उसका रिलेशन नहीं है। बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो अपने पार्टनर को ये कहती हैं कि मुझे ना आप कुछ इमेजिन करा के कराओ कि शायद मैं किसी और के साथ कर रही हूँ, या हम ऐसी जगह पर कर रहे हैं, बाहर कहीं कर रहे हैं, या किसी स्ट्रेंजर के साथ वो कर रही हूँ, ताकि उनको एक बिल्कुल ही नया सा फील आए। कर वो अपने हस्बैंड के साथ ही रही हैं लेकिन इमेजिनेशंस को कुछ नया चाहती हैं। इस तरह की फैंटेसीज यूजली हर फीमेल की होती है। अगर मैं बात करूँगी और क्या फैंटेसीज हो सकती हैं तो वहाँ पे हम रेप फैंटेसी भी रख सकते हैं। मे बी गो गेट मी बॉयज़ फैंटेसी हो सकती है कि भी 3-4 लड़कियों में अकेली कर रही हूँ। इस तरह की कुछ ऐसी फैंटेसीज हैं, मे बी गर्ल्स के साथ ट्राई करना, वजाना लिकिंग करना। ये फीमेल्स बोलती नहीं हैं लेकिन अगर वो सेक्शुअली एक्टिव हैं या फिर वो पॉर्न देखती हैं तो ये फैंटेसीज डेफिनेटली लिस्ट में हो सकती हैं। और अगर आप भी एक एक्टिव सेक्सुअल हस्बैंड हैं तो खुद से जाएं, पूछें उन्हें क्या पसंद है और फिर उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगर आप भी कहीं देख रहे हैं कुछ स्टेमिना, पावर या फिर वाइटालिटी के लिए, आप से जाने कि आपकी फ़ीमेल आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। बहुत बार एक पर्टिकुलर एज के बाद आप अपनी फैंटेसीज़ को नहीं बोल पाते हैं, या फिर वो धक्के से जैसे लाइफ चल रही है वैसे चल रही होती है। अगर आप भी स्पार्कअप करना चाहते हैं तो एक दूसरे से ज़रूर पूछें और क्या अच्छा हो सकता है।
आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आपकी भी कोई फैंटेसी है जिसे मैंने अभी तक कवर नहीं किया है उससे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। आने वाली वीडियो से कनेक्टेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना होगा। इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब डॉक्टर नेहा मेहता इंग्लिश। इंस्टाग्राम फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।